राजा जनक के राज्य में हर साल शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता का आयोजन होता था, जिसमें देश विदेश से ऋषि मुनि आते थे हिस्सा लेने के लिए। इसी राज्य में एक बालक था अष्टावक्र। जब वो इस प्रतियोगिता में शामिल होने गया तो चौकीदार ने उसे रोक दिया कि एक तो तुम इतने छोटे बालक हो, तुम्हें शास्त्रों के बारे में क्या ज्ञान। अष्टावक्र ने कहा, मुझे नहीं पता था कि शास्त्र के लिए उम्र का मोहताज होना पड़ता है। ये बात सुनकर राजा जनक ने उन्हें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। लेकिन जैसे ही वो दरबार में घुसे तो बाकी ऋषि मुनि उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं और उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोलते हैं कि एक तो तुम छोटे बालक, ऊपर से इतने गुरु, तुम्हें शास्त्रों के बारे में क्या पता। अष्टावक्र जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, मुझे तो लगा था कि मैं विद्वानों की बस्ती में आया हूँ। मुझे क्या पता था कि चमारों की मंडी में मैं खड़ा हूँ, जहाँ मेरे रूप रंग को देखकर मेरे ज्ञान को आंका जा रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी के रूप रंग को देखकर उसकी अक्ल को आंका नहीं जा सकता।